टाइप अलग का टाइप का होता है, बहुत टाइप का बहुत होता है। जोजोबा नॉर्मल सॉल्ट मस्त। हेलो गाइस, आज मेन वीडियो पे हम लोग बढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। नया मेंबर है मेरे टीम में, की नाम तोर विश्वजीत। तो मेरा टीम कुछ बोलना चाहता है। थैंक यू गाइस, हम लोगों ने 30K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं। राहुल आमी की बोलो, आमी तो आज प्रचुर प्रचुर हैप्पी, कारण आमी तो बोलेছিলাম যে 30K খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, তো আজকে হয়ে গেছে। শুধুমাত্র ভিউয়ারদের জন্য জয়েন করা মেটা কি বলছে তাই बाद में तो अब बढ़ते हम लोग का मेन वीडियो के ऊपर। हेलो गाइस, आज हम लोग आप लोग को बताएंगे कि ड्राई सन ड्राई फिश कैसे बनाया जाता है। कैसा लग रहा है वाला देख कर भी? मस्त मस्त लग रहा है ना। तो ये एक बहुत ही पुराना प्लेको था मेरा, जो कुछ महीना पहले मर गया था। इसको मैं सन ड्राई करके रखा हूँ। एंड इस तरह से और भी बहुत सारे फिशेस हैं जिनको आप सन ड्राई कर सकते हो। मैं आज आप लोग को डेमो करके दिखाऊंगा कि इस तरह से करा जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फुल्ली हो गया है, थोड़ा सा और बाकी है बेली का पोर्शन। सीधा कर ऐसे मुँह का, तो ऐसे देख सकते हैं आप कितना मस्त लग रहा है। ठीक है, एंड प्लेको का तो बहुत ही एकदम सॉलिड लगता है। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। आप इस तरह से बना के आप अपने घर पे वॉल पे लगा सकते हो, या ग्लास में डाल के एक अच्छा सा म्यूजियम में जैसे रहता है वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इसको कैसे बनाता है। इसको रख वहाँ पर रख। तो सबसे पहले सपोज आपका कोई भी फिश मर जाता है। यहाँ में मरा हुआ फिश तो है कुछ है नहीं, यहाँ खाने के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ इसको क्या बोलते हैं? पोठिया। पोठिया मारे गए अभी, माछ पहचाने नहीं आता तेरे को। इसको बोलता है भाटा माछ। ठीक है, एक तो काला होता है थोड़ा, उसको बोलता है चारा पोना। तो ये फीडिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ, फ्रिज में रखा हुआ था। तो जब आपका एक्वेरियम का फिश मर जाता है, इसको पकड़ लीजिए। ठीक है, इसको भी फिश टिन फॉइल बार पकड़ लीजिए। तो इसको पहले आपको अच्छे से एक बार धो लेना होगा। ठीक है, धोया हुआ है इसको धो लेना होगा। फिर आप घर से सॉल्ट लाइएगा। ठीक है, ये देखिए सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट। सॉल्ट और पानी का मिक्सचर आपको एक बनाना होगा। ठीक है, अगर आप 1 कप उस पर सॉल्ट डालते हो तो 3 कप पानी उस पर होना चाहिए। तो वो मिक्सचर बना के यहाँ इसमें मिक्सर तो बना, रुको मिक्सर बना के देखो। देखिए हम लोग पानी लेके आए, अब इसमें डाल सॉल्ट डाल उसमें। अभी मैं आप लोग को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, रेशियो मैंने बता दिया। 1 कप पानी होगा सॉल्ट होगा तो 3 कप पानी होगा। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, घर पे काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का। थोड़ा मिक्स करो उसको, इस तरह से आप मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे तरह से सॉल्ट को मिक्स कर लीजिए। फिर जो फिश रहेगा मास्टर ने फिर इसको आप उस पर डाल दीजिएगा। फिर इस तरह से आपको ओवरनाइट पूरा रात भर से एटलीस्ट 12 घंटा आप इसको ऐसे रख देना है। 8 से 10-12 घंटा ऐसे घर पे कोना पे कहीं पर रख दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो भी इसका लाइक स्मेल रहेगा वो मतलब सब चल जाएगा और इजीली ड्राई होगा। ठीक है, सॉल्ट ये मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ कहाँ से सीखा था। ये जब मैं दीघा गया था तो वहाँ पर सूखा फिश मिलता है, तो मैंने उनसे पूछा कि वो लोग हर तरह का फिशेस को ड्राई कर देते हैं, मतलब देख के मुझे अजीब लगा। तो मैं उनसे प्रोसेस पूछा तो उन लोगों ने मुझे बताया। एक और कुछ देता है तो वो मैं नहीं दे सकता, लाइक हम मिलता नहीं है, तो इसी से भी काम हो जाएगा। इस तरह से ओवरनाइट रख के फिर आपको इसको नेक्स्ट डे इसको निकालना है। सो ओवरनाइट आप अगर इसको सनड्राई कर ले तो फिर आपको उसको बाहर निकालना है। ठीक है, बाहर निकाल के ऐसे रख के ना फिर आपको इसको सिंपली सनड्राई करना है। आप अगर छत पे जहाँ पर भी धूप आता है, सबसे ज़्यादा घर पे जहाँ पर धूप आता है वहाँ कीजिए, तो इजीली एक दो हफ्ता का अंदर सनड्राई हो जाएगा। तो ऐसे तो आप खुला रख नहीं पाओगे, तो कुछ भी आके खा लेगा। तो इसीलिए आपको प्रोटेक्शन के लिए इस तरह से एक नेट देना होगा। इसको क्या बोलते हैं? जाली। जाली जाली कितना टाइप का होता है?
अलग अलग टाइप अलग टाइप का होता है, बहुत टाइप का बहुत टाइप का होता है। आपको 5 रुपये में भी मिल जाएगा, 10 रुपये में मिल जाएगा मार्केट पे। तो इससे इसको ढक दे, इस तरह से ढक के फिर ऊपर पे कुछ एक वेट दे दिया जाएगा, रॉक नहीं तो कुछ भी ईटा वोटा, ईटा वीटा जो, ठीक है। एंड इस तरह से फिर आपको 1 हफ्ते के लिए छोड़ देना है। जब हो जाएगा सनड्राई तो वो कुछ इस तरह से देखेगा, इसको देखा, ये देखिए इस तरह से पूरा कलर उसका धीरे धीरे फेड होगा, ठीक है। इसमें एंट्स भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए, सब खा लेगा। इसका बॉडी का अंदर का पोर्शन देखिए, अभी भी एंट्स घूम रहा है एक दो, ठीक है। तो फिर इस तरह वो बन जाएगा। मैंने इस तरह, मेरा एक पुराना पिराना था वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एक पिराना भी देखिए, मेरा प्रोफाइल पिक्चर भी अभी यही वाला है। तो इसको भी एकदम देखिए कैसा कड़क लग रहा है, कैसा लग रहा है वाला, मस्त दांत तो देख रहे दांत तो पूरा। अब बस देखिए, मतलब ये एक मतलब यूनिक टाइप का बन जाएगा, मरने का बाद भी लाइक आप इसको रख सकते हो। अगर आप इसको गाड़ना नहीं चाहते, आपके इससे लाइक प्यार है, आप इसको रखना चाहते हो, तो इस तरह से आप इसको सनड्राई करके रख सकते हो घर पे, कहीं पर भी आप लटका सकते हो। फिर ग्लास में डाल के अंदर में मोनूमेंट थोड़ा घुमा के देखा कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना भयानक लग रहा है, भयानक लग रहा है पूरा, ठीक है। एंड सब फिशेस को आप इस तरह से नहीं कर सकते हो, लाइक गोल्ड फिश हो गया बहुत डेलिकेट होता है, उसको आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर और भी जो लाइक सॉफ्ट रहता है, इसमें एक्स्ट्रा फैट रहता है, लाइक फ्लावर ऑन हो गया, उस तरह का फिशेस को आप सनराइड नहीं कर पाओगे। आप स्टिंगरे को कर सकते हो, एरोवाना को कर सकते हो, जो मतलब जो थोड़ा हार्डी फिश रहता है मॉन्स्टर वेराइटी में, उनको आप इजीली इस तरह का सनराइड कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनको मैं और सुखा रहा हूँ, और अच्छे से सुखा रहा हूँ, फिर मैं उसको फिश रूम पे नहीं तो कहीं पर अच्छा से डेकोरेट करके रखूँगा, ठीक है। तो ये था एकदम सिंपल में आप कैसे सनड्राई कर सकते हो। मैं मतलब ये बहुत ही फर्स्ट टाइम लाइक एक्वेरियम फिश का रिलेटेड मैंने ये वीडियो आप लोगों को दिखाया। लाइक बाहर में तो वो खाने वाला मछली करता है, मैं देख का वो दिखा मैं, बट एक्वेरियम का फिश को भी आप इस तरह से सनड्राई कर सकते हो। पर प्लेस है एकदम, दिन पूरा सुबह से एकदम शाम तक यहाँ सनलाइट आता है, तो मैं यहीं पर टांग देता हूँ इसको, बहुत ही अच्छा सनराइज होता है, ठीक है, देख सकते हैं। ए क्या कर रहे हैं? मछली दे रहे हैं। मछली दे रहे क्यों? वो आपका न्यू वाला वीडियो देख के मैंने भी एक टैंक बनाया, उसी का लिए मछली दे रहे थोड़ा। तो मेरा तो फिश शॉप नहीं है, तुम यहाँ से मछली लेके भाग जाएगा मतलब पैसा लगेगा, तो फ्री तो नहीं चले। आपके लिए भी कुछ लाया है? सो गाइस, अगर आप अपने फिशेस को डोनेट करना चाहते हैं हम लोग को ड्यू टू स्पेस प्रॉब्लम, और सेल करना चाहते हैं हम लोग को, वी कैन रेस्क्यू देम बड़े साइज के लाइक एलिगेटर, रेड टेल, एरापाइमा, कुछ भी हो तो प्लीज़ हम लोग को कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग ज़रूर लेके आएंगे वहाँ से। आप लोग हमारे फिश रेस्क्यू का प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या क्या रेस्क्यू किया है। एंड सबसे बेस्ट चीज़, आप अपने फिशेस को हमारे चैनल पे देख पाएंगे हमेशा, जब तक के लिए वो रहेगा, बाकी लक के ऊपर है, मॉन्स्टर फिश में कभी भी कुछ हो सकता है। तो ये था गाइस आज का वीडियो, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड हैव अ नाइस डे। पीस।